अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार कुकिंग। और मैं आज बना रही हूँ हरा मटन। तो ये देखिए, मटन को मैंने बॉईल कर लिया, प्याज और अखा मसाला डाल के इसको अच्छे से मैंने बॉईल किया। और इसमें एक मीडियम साइज़ का प्याज भी ऐड किया है मैंने, और हल्दी नमक अदरक लहसुन डाल के इसको अच्छे से मैंने बॉईल कर लिया। ये देख सकते हो आप लोग, अभी अच्छे से बॉईल हो चुका है। और यहाँ पर मैंने लिया है कोथमीर, पुदीना, हरी मिर्चें, ये सब लिया है। और अभी मैं सूखे मसाले आपको दिखा देती हूँ। तो ये ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला, और ये ली दो हरी इलायची, एक दालचीनी और हल्दी ली है मैंने एक चौथाई चम्मच के करीब, आधा कप के करीब मैंने लिया है। दही लिया है मैंने आधा कप के करीब, तो ये पंजाबी दही है, खट्टी दही नहीं है ये। और अभी मैं लूँगी आधा चम्मच के करीब अदरक लहसुन, क्योंकि आधा चम्मच मैंने जो है मटन बॉईल करने में डाला था। इसे कच्चे मटन में भी बनाया जाता है। और ये मैंने एक प्याज को चॉप किया है, एकदम बारीक चॉप कर ले। और पहले तो हम इसका हरे गोश्त का जो है ना मसाला तैयार करते हैं। तो ये देखिए, मैंने मिक्सी के जाल में जो पुदीना, कोथमीर और हरी मिर्चें है, इन सबको मैं पीस के लेकर आती हूँ। तो देखिए, मैंने इसे पीस लिया है और इस तरीके का ये कुछ पेस्ट बन के तैयार हुआ है। और यहाँ मैंने साइड में तेल गरम करने भी रख दिया था। तो ये एक मैंने टॉप लिया है और इसके अंदर तेल गरम हो गया। अभी मैं इसके अंदर प्याज डाल दूँगी और इसे लाइट ब्राउन होने देंगे। तो जब तक ये लाइट ब्राउन हो रही है, वहाँ तक इसको पका लेते हैं अच्छे से। तो ये देख सकते हो, ये पक रही है और ये अब लाइट ब्राउन जैसे हो गई है। तो अभी मैं इसके अंदर सब मसाले ऐड करूँगी। तो दो छोटी इलायची मैंने डाल दी है, एक दालचीनी का टुकड़ा मैं इसमें ऐड कर दूँगी और इसके साथ इसको थोड़ा चला लेंगे ताकि अच्छे से जो है इसकी खुशबू तेल में आ जाए। और ये अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने ऐड कर दिया, इसे भी इसके साथ अच्छे से भून लेंगे। और साथ ही में मैंने ये सूखे मसाले जो है, तो देखिए ये कसूरी मेथी मैं भूल गई थी, तो आपको दिखा रही हूँ, ये कसूरी मेथी है। तो कसूरी मेथी ली है मैंने एक चम्मच के करीब, इसे भून कर क्रश किया है मैंने। और अभी जो पेस्ट हमने बनाया था धनिया, पुदीना और हरी मिर्ची का, तो वो पेस्ट भी मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी। हल्दी डालने से इसके अंदर जो है ना कलर बहुत अच्छा आता है। और ये सारे सूखे मसाले भी इसके अंदर मैंने ऐड कर दिए। और गोश्त के अंदर मैंने नमक ऐड किया है बॉईल करने में, तो मैं नमक अभी नहीं डालूंगी, जब मुझे ज़रूरत लगेगी जब भी मैं इसमें नमक ऐड करूँगी। और इसे कच्चे गोश्त में भी बनाया जाता है, आप डायरेक्ट कच्चे गोश्त में इस तरीके का मसाला भुने और इसमें कच्चा गोश्त डाल दें और कुकर में 3 से 4 सीटी लगा ले और आपका जो है ग्रीन मटन तैयार हो जाएगा। लेकिन मैं ये सिंपल तरीके से बना रही हूँ, ये जल्दी हो जाता है। तो देखिए इस तरीके से, तभी मैं इसको थोड़ा पकने दूंगी, थोड़ा थिक होने दूंगी, सब मसाले भी आपस में अच्छे से पक जाएंगे, तेल इसका छूटने लगेगा, उसके बाद ही हम इसमें बॉयल मटन ऐड करेंगे। तो तेल भी छूट गया है, मसाला पक गया और अभी मैंने इसके अंदर जो है ना गोश्त ऐड किया है। तो ये देख सकते हो आप लोग, तो आप हड्डी वाला गोश्त अगर इस्तेमाल करोगे तो बहुत अच्छा है, क्योंकि इसके अंदर हड्डी वाले गोश्त बहुत अच्छा लगता है। ये देख सकते हो कलर, देखिए कितना अच्छा कलर आया है इसके अंदर। तो बस ये थोड़ी मुझे ग्रेवी ना भी पतली लग रही है, तो मैं इसे 10 मिनट के लिए ढककर पका लूँगी, ताकि अच्छे से इसके अंदर जो गोश्त पे सब मसाला जो अच्छे से लग जाए और इसके फ्लेवर जो है वो गोश्त के अंदर आ जाए अच्छे से। तो ये देख सकते हो ये अच्छे से पक गया है थोड़ा। अभी मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी दही। तो दही ली थी जो हमने, तो वो मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ थोड़ी थोड़ी करके। और ये आधा कप मैंने दही ऐड कर दी और इसे अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। फिर से मैं इसे 5 मिनट पकाऊंगी ढककर, ताकि जो दही है वो दही भी ग्रेवी के अंदर अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए और दही का फ्लेवर अच्छे से ग्रेवी के अंदर आ जाए। तो बस ये देखिए, तो इस तरीके से तभी मैं इसे ढक के और 5 मिनट पकाऊंगी, ताकि तेल जो है वो सेपरेट हो जाए। तो ये देखिए 5 मिनट हो चुके हैं और इसमें अच्छी सी एक उबाल आ गई है, बॉईल आ गया है। और ग्रेवी आपको अगर एकदम थिक रखनी है मसाले वाली, तो आप इसको और ज़्यादा पका के थिक भी कर सकते हो, लेकिन मेरे यहाँ पे मैं इस तरीके से ही बनाऊँगी। तो आपकी मर्ज़ी है, अगर आप इसे ज़्यादा थिक बनाना चाहते हो तो मसालेदार भी बना सकते हो, लेकिन मैं इसी तरीके से बना रही हूँ। तो ये ग्रेवी तैयार है, मैं आपको इसको प्लेट में निकाल के दिखाती हूँ। तो ये प्लेट मैंने ली है और अभी प्लेट के अंदर मैं इसे डिश आउट कर दूँगी। तो ये देख सकते हो कलर इसका माशाल्लाह, और खुशबू तो यकीन माने बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है और ये बहुत अच्छे बन के तैयार होता है। और आप इसके अंदर ना
जो नली वगैरह होती है ना वो भी इसमें ऐड कीजिएगा, इससे भी ये बहुत ही अच्छी बनती है। ये देख सकते हो आप लोग कितना अच्छा इसका। और आप अगर फैट वाला गोश्त ले रहे हो तो तेल का इस्तेमाल कम करें। मेरे पास जो गोश्त था उसमें फैट नहीं था तो मैंने इसमें तेल का इस्तेमाल ज़्यादा किया है। और ये लीजिए गरम गरम ये तैयार है खाने के लिए। इसको थोड़ा सा गार्निश कर देंगे हरी मिर्ची के साथ। और ये देखिए, देख के मुँह में पानी आ रहा है। तो ज़रूर ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये हरा मटन, आप लोग को इंशाल्लाह बहुत पसंद आएगा। और ये देख सकते हो आप लोग भी ज़रूर बनाएं और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अस्सलाम वालेकुम।